स्मृति ईरानी का घमंड उसे ले डूबा, मंत्रालय भी जला गया, मुगी खानी पड़ी। अब दूसरी दूसरी स्मृति ईरानी आ गई कंगना जी। आज मोहन भागवत को मणिपुर की याद आ रही है, इतनी देर जल रहा, अब कल भी गोली मारी गई है, तब मणिपुर की याद नहीं आई है। अब आज भी हमले हो रहे हैं, नोटबंदी के बाद भी हमले हो रहे हैं, GST का क्या फायदा मिला हम लोगों को? मुजरा करना पड़ता है डेली नायडू नीतीश के सामने। जब ये विपक्ष में जाएंगे तो उनको और मुजरा करना पड़ेगा। अब मीडिया चैनल भी जेल जाएंगे, उनका चैनल बंद होगा, क्योंकि एग्जिट पोल नहीं था, ये पैसा कमाने का पोल था, सट्टा बाजारी थी। राजेश शर्मा, जहाँ तक देखा जाए ऐसे पत्रकारों की हिम्मत हमारे विपक्ष के नेताओं ने बढ़ाई है, क्या जरूरत है ऐसे चैनलों में बैठने की? कि अगर ऐसे पत्रकार हैं तो पत्रकारिता में डर लगता है भाई, कल ये माँ बाई ने गाली दे दें। लेकिन राजेश शर्मा को इस मामले में जेल होनी चाहिए, तो ये रणवों की सरकार नहीं चाहिए भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। देश में नई सरकार का गठन हो चुका है, एक हफ्ता बीत चुका है और बहुत सारी जो है घटनाएं हो रही हैं देश में, और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपलब्ध हैं बालयोगी। बालयोगी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बधाई हो, बधाई हो आपको। बधाई, क्या कहेंगे इस तरह का जो रिजल्ट आया है इस देश में, क्या कहना चाहेंगे आप? अब आप बताओ, किशोरी लाल मीना स्मृति ईरानी का घमंड उसे ले डूबा। अच्छा, स्मृति ईरानी हारी किससे है? साधारण कार्यकर्ता से, जो राहुल गांधी को चैलेंज किया करती थी। देखिए होता क्या है, कभी कभी कुछ चीजें उल्टी पड़ जाती है। भरी संसद में अमेठी की बहू का आपने डायरेक्ट नाम लिया था कि सोनिया गांधी माफी मांगो, आपकी उल्टी गिनती उसी शुरू हो गई थी। और रायबरेली देखिए, राहुल गांधी का अंतर देख लीजिए, स्मृति ईरानी हार गई, अपना अंदर देख ले, मंत्रालय भी चला गया, मुगी खानी पड़ी। अब दूसरी स्मृति ईरानी आ गई कंगना जी। कंगना जी आती हैं, एक थप्पड़ खाती हैं, बवाल हो जाता है। इसमें बवाल क्या है, तो अब नेताओं को भी अपनी भाषा सुधारनी पड़ेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप देखिए, और भी सीटों में आइए, जो राम को लेके आए थे, राम उन्हें नहीं लाए, राम नाराज हैं क्या? अयोध्या की बात कर रहे हैं, रामेश्वरम की भी बात कर रहे हैं, राम नाराज हैं क्या? क्यों नहीं जीत पाए ये लोग वो सीटें, क्यों राम का आशीर्वाद नहीं मिल पाया, क्या कारण हो सकता है? आप अयोध्या कवरिंग किए हैं, मैं झूठ तो बोल नहीं रहा, आपने वहां मकान तोड़ते हुए देखे हैं, 17 किलोमीटर रोड बनाने के लिए मकान तोड़ दिया। कोई भी, जैसे मेरे बगल में मंदिर है, अब इस मंदिर को बड़ी करने के लिए हम पूरे मकान तोड़ नहीं देंगे। अगर वो 17 किलोमीटर से हम फ्लाईओवर दे सकते थे, वहां पे ऐसा कुछ उतार सकते थे, कुछ ऐसा कुछ जो वहाँ के लोगों को नुकसान ना हो, और अगर नुकसान हो रहा है तो उतना पैसे दे सकते थे हम। 1,00,000 रुपए में आपने सबका मकान तोड़ दिया, अभी भी आप लगातार बुलडोजर की कार्रवाई। देखो, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से राम के नाम पे यूपी की जनता को छला गया, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई गई, लेकिन सिर्फ व्यापारियों के नाम पर लगाई गई सर, सिर्फ व्यापारियों। आपके बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, हमें भी नहीं मिलेगी। वहाँ के लोगों का कहना है कि जो होटल बने हैं बाहर के लोगों का बना है, कोलकाता का है, गुजरातियों का है, बम्बई का है, बनारस से पूरे गुजरातियों ने कब्जा कर रखा है। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, इस बार BJP को चुनाव सीखना चाहिए। आज मोहन भागवत बोल रहे हैं, इसीलिए कहते हैं भाई, देखो आप जानते हो रणुआ किसे कहते हैं, इसका ब्याह शादी नहीं होता, ये रणुओं की सरकार नहीं चाहिए भाई। आज मोहन भागवत को मणिपुर की याद आ रही है, इतनी देर चल रहा, अब कल भी गोली मारी गई है, तब मणिपुर की याद नहीं आई है, खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मणिपुर की याद नहीं आई है। पुलवामा हमले में भी पाकिस्तान की चिंता नहीं थी क्या? अब आज भी हमले हो रहे हैं, नोटबंदी के बाद भी हमले हो रहे हैं, GST का क्या फायदा मिला हम लोगों को? तो इनकी योजनाओं का, इनकी कामों का भी कोई फायदा है? ज्यादा होगा हिंदू मुसलमान कर दो, गोली मारो डैड्स कर दो। इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं चला, लगातार उन्होंने चुनाव में मटन मछली मुजरा मुसलमान पे बात की, लेकिन राहुल गांधी लगातार रोजगार की बात करते रहे, संविधान की बात करते रहे। मुजरा करना पड़ता है डेली नायडू नीतीश के सामने, रोज करना पड़ता है, आपको मुजरा करवा तो दिया जनता ने, करो मुजरा। आप जब ये विपक्ष में जाएंगे तो उनको और मुजरा करना पड़ेगा, जाने वाले विपक्ष में, अभी इनको मुजरा करवाएंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं आप? हमने एक वीडियो में देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार जब आ रहे हैं तो अमित शाह मोदी जी को इशारा करते हैं और तुरंत जो है नीतीश जी के आते के साथ मोदी जी खड़े हो जाते हैं। देखिए होता क्या है, कहते नहीं है जब लगी फटने खराद लगी बटने, वही वाली हाथ है। और कहीं ना कहीं इस बार इनको ऐसा छापड़ पड़ा है जनता का कि ना ये इधर हो पा रहे हैं ना ये इधर हो पा रहे हैं, कि गठबंधन की सरकार चल रही है। आने वाले समय में अभिजीत देखिएगा,
नीट का पेपर हुआ, फौज का मामला हुआ, रक्षा का मामला हुआ, स्वास्थ्य का मामला हुआ, ऐसी तमाम मुद्दे पे घिरने वाले। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले विपक्ष थे 45-46 सौ, अब उनकी संख्या मिला के हो गई है 250 के ऊपर, मानते हो 250 के ऊपर। 250 के विपक्ष में आपको लगता है कि आसानी से आप राज्यसभा में भी आपकी सीटें कम होंगे, राज्यसभा चुनाव होंगे तो अब मानी बात राज्यसभा में आपकी सीटें कम हो जाएंगी, तो आपको लगता है कि सरकार चला पाएंगे, लगता है राज्यसभा में बिल पास करा पाएंगे, सारे अध्यादेश वापस नहीं होंगे, और अब चर्चा होगी अग्निवीर पर, यूसीसी पर, सरकार का काज खुल के नहीं आएगा जो उन्होंने अडानी अंबानी से पैसे लिए। एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे अमित शाह चुनाव के दौरान कि हम अगले कार्यकाल में इसकी इस पर काम करेंगे, लेकिन अब चुप हैं इस बात पे। मे लोग तड़े पार की बात को सीरियस लेते हो, अनपढ़ जाहिलों की बात का सीरियस मत लिया करो। कैसे एक चुनाव हो जाएगा भाई, कैसे एक चुनाव करवा दोगे? हाँ चुनाव में ये चीज़ कर सकते हो कि देश के सेनानियों के लिए, देश के पुलिस वालों के लिए और मतदान कर्मियों के लिए, उनके लिए जो ऐप बनाओ सिर्फ उन्हीं पर यूज़ करो और वो कहीं भी हो अपना वोट दे दे। हमने चुनाव के रिजल्ट के दौरान देखा कि पहले पोस्टल बैलेट की गणना होती है और उसमें जो है सरकारी नौकरी करने वाले लोग, जो सेना के लोग हैं, जो चुनाव में लगे ड्यूटी कर्मी हैं वो लोग वोट करते हैं, और उस पूरे वोट में 250 सीटों पे बढ़त बना ली थी इंडिया गठबंधन ने, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी करने वाले लोगों ने जो है इनको नकार दिया था। का स्कैम है ये, शेयर मार्केट उठाना और गिराना, और जोशी जी रोने लग गए थे आपने देखा, प्रदीप गुप्ता, अरे भाई जो भी हो वो रोने भी लग गए थे, खूब रोए हुए भी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये फायदा पहुंचाया गया, इसकी भी राहुल गांधी मुद्दा उठाए हैं, ये भी इसमें भी शामिल हुए पत्रकार और मीडिया चैनल भी जेल जाएंगे, उनका चैनल बंद होगा, क्योंकि ये एग्जिट पोल नहीं था, ये पैसा कमाने का पोल था, सट्टा बाजारी थी, जिसपे इन्होंने बीजेपी को बड़ा दिखाया, जिस कारण से 30 लाख करोड़ मतलब लाखों निवेशकों का नुकसान हुआ वो सड़क पे आ गए, इसकी भरपाई सरकारों करनी होगी। रजत शर्मा को लेके क्या कहेंगे, अभी वीडियो वायरल हुई थी, रागिनी नायक रो रही थी, आप सब सारा मुद्दा आप जान रहे हैं। रजत शर्मा जहाँ तक देखा जाए ऐसे पत्रकारों की हिम्मत हमारे विपक्ष के नेताओं ने बढ़ाई है, क्या जरूरत है ऐसे चैनलों में बैठने की, क्या जरूरत है चैनलों में बैठने की भाई, हम तो नहीं जाते, हमारा नेशनल चैनल ये है, नेशनल दस्तक है, यूट्यूबर है, ये बेशर्मों के पास जाने की क्या जो अभी लोग सुनेंगे ही नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर ऐसे पत्रकार हैं तो पत्रकारिता में डर लगता है भाई, कल ये माँ बाई ने गाली दे दें, इसलिए भी आप कार्रवाई करो, तो जो चीज़ें पहले करनी चाहिए थी वो अब हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन रजत शर्मा को इस मामले में जेल होनी चाहिए, जो सजा है वो होनी चाहिए, और जितने पत्रकारों ने झूठी खबर चढ़ाई है उन पर भी जेल होनी चाहिए। लेकिन रागिनी नायक आज जो उनके साथ हो रहा है ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है, लेकिन सरकार इनकी थी, पूर्ण बहुमत में था, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाते थे। 10 साल बाद जो है एक बहुत ही मजबूत विपक्ष जो है और ऑफिशियली विपक्ष का दर्जा मिला है, और तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की जो है सदन में? हमें जो जिम्मेदारी मिली है, देखिए अगर हमारे पास सीटें बढ़ी हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है, हमारे पास जनता के मुद्दे के लिए जो खटाखट वाला वादा है वो हमारे दिमाग में है, जो जनता के लिए, देखिए मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ आज के माध्यम से, कांग्रेस की सरकार आने के बाद सभी पुराने पेंशनों के, जैसे रेलवे में थे, एयरफोर्स, सबके पेंशन भी चालू होगी, पुराने दिन भी अच्छे आएंगे, गरीबों की मजदूरी बढ़ेगी, हमारा जो मैनिफेस्टो था वो आपने देखा था, तो कहीं ना कहीं खटाखट वाला काम हम करेंगे, सरकार बनने दीजिए बस। अभी देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो है कार्यालय पे और लखनऊ में भी कुछ महिलाएं जो है 1000 रुपये का वो फॉर्म भरने गई थी और लेने गई थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वहाँ उनके कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, कार्यकर्ताएं होनी चाहिए और सारे फॉर्म भरने चाहिए, सरकार किसी पल बन सकती है, और उन सभी लोग महिलाओं को हम सम्मान करते हैं, और थोड़ा जानकारी भी रख लेनी चाहिए कि बुर्के के अंदर महिला ही है ना कोई और है, भाजपा वाले कई बार बुर्के के अंदर ही आ जाते हैं, भाजपा वालों का कोई भरोसा नहीं है, और सबको पता है इस देश में सरकार बनने के बाद ही आते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी है तो 1 लाख रुपए कहाँ से मिल जाएगा, प्रधानमंत्री ने जी ने भी इस बात का अतिरिक्त सेंटर हॉल में किया है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, जनता को भड़काया, अरे बेशर्मो दलालो 15 लाख का वादा क्या हमने किया था, आप तो 15 लाख दिए नहीं, तो हमारी नीयत है 1 लाख रुपये देने की, 8,500 रुपये महीना हम देंगे महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को,
ये हमारी प्राथमिकता है, एमएसपी की गारंटी हम लागू करेंगे। सरकार क्यों नहीं एमएसपी पे बात कर रही, क्यों नहीं किसान पे बात कर रही, तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से एनडीए में सहयोगी दल हैं, विचारधारा मेल नहीं खाती है। जहां नीतीश कुमार जातीय जनगणना की बात करते हैं, जहां नायडू जो है मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं, उनके लिए हज बनाने की बात करते हैं, वहीं भाजपा जो है इनके उलट विचारधारा रखती है। कैसे चलेगी ये सरकार, क्या होगा? यहाँ पे बनना होगा, सब बनेगा, मंदिर ही बनेगी, हज भी बनेगा, काम भी होगा, विकास होगा। पहले नौकरी होनी चाहिए, किसानों का मुद्दा होना चाहिए, आपका ये अग्निवीर का मुद्दा होना चाहिए, बस इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। अभी ज़्यादा बात कर इस मत करिए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है, नीतीश पहुंच नहीं रहे हैं, अंदर खाने में गड़ित है, तो पहले उसको होने दीजिए, फिर देखते हैं। क्या अंदर अंदर अभी भी बात चल रही है आप लोगों की? नहीं, हमारी तो बात नहीं चल रही है, हमारे नेताओं की बात चल रही है, लेकिन जेडीयू के एक विधायक हैं बिहार से, कल मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा पंडित जी चल नहीं पाएंगे, हम नाम नहीं लेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये जानिए कि नीतीश कुमार के बड़े खास लोग हैं वो, उन्होंने कहा सरकार चल नहीं पाएगी हमारी, इनकी हम कांग्रेस साथ ही आएंगे बिहार चुनाव के बाद, या बिहार चुनाव के पहले भी आ सकते हैं, बिहार चुनाव के पहले भी नीतीश आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। उनके विधायक से मुझे यही मालूम चला है कि हमारी इनकी बन नहीं पाएगी। केसी त्यागी को किसी भी तरह से एक मंत्रालय हम मांग रहे हैं केसी त्यागी। अब केसी त्यागी ने अग्निवीर का मुद्दा उठा दिया, यूसीसी का मुद्दा उठा दिया, भाजपा कभी इसी को मानेगी नहीं, तो आपस में खलल है। उधर नायडू साहब, अगर मान लीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वहाँ का मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, वहाँ आंध्रा मुसलमान की आबादी अच्छी है, इसलिए मामला फंसा। आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना बाली योगी जी को, जो जिन्होंने अभी अभी एक बड़ा खुलासा किया है कि नीतीश जी के जो विधायक हैं उनसे इनकी बात हुई है, और वो कह रहे हैं कि इनके साथ हमारी बन नहीं पाएगी। तो क्या है आपकी राय इन पूरे मुद्दे पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।